कैसे आप लोग? हमारे इस वीडियो के दौरान हम लोग डिस्कस करेंगे कि हृदय में जो गति होती है, यानी हमने ये तो देख लिया कि मानव हृदय हृदय में कोई कंटिन्यूस मूवमेंट करता है, यानी जिसे हम लोग सिस्टो डायस्टोल बोलते हैं। लेकिन मानव हृदय में जो एक जो मूवमेंट होता है, यानी गति होती है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, अगर कॉमन सी बात हम करें तो, इस वीडियो के माध्यम हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके कि मानव में जो हृदय है वो एक मायोजेनिक है, मायोजेनिक। इसका मतलब समझ गए होंगे, पेशियों से निर्मित है, क्योंकि मानव हृदय की भित्ति में तीन स्तर होते हैं और वो स्तर हम लोग पढ़ चुके हैं, एपिकोडियम, एंडोकोडियम और मीजोकोडियम। मीजोकोडियम में रेखीय मसल्स होती है और वो मसल्स एक्चुअली में क्या कहलाती है, कार्डिक मसल्स कहलाती है। तो वो जो कार्डिक, यानी हमारा हृदय जो है वो एक्चुअल में कार्डिक मसल से बना हुआ है, और कार्डिक मसल्स के वजह से ही हमारा हृदय लगातार रिदमिक मूवमेंट करता है, और उस मूवमेंट को हम हृदय चक्र कहते हैं, जिसमें सिस्टो डायस्टोल प्रोसेस होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो मानव हृदय में दो प्रकार की घुंडियां होती है, दो प्रकार की पेशियों से निर्मित घुंडियां नोड्स होती है, जिनमें एक नोड है SAN और दूसरा है AVN। इसको आप आराम समझें। SAN का मतलब यहाँ पर साइन ऑरिकुलर नोड है, यानी सीधा आलिंद नोड, इसे बोल सकते हैं हम लोग सीधा आलिंद नोड। ये हमारे हृदय में दाहिने आलिंद में, जहां पर यू कह सकते हैं कि जो अग्र महासिरे हैं, जो महासिरे जहां खुलती है, स्पेशली अग्र सुपीरियर जो महासिरा होती है, ये महासिरा है जो अशुद्ध ब्लड को लेकर आती है। तो दोनों महासिरे जहां खुलती है, अग्र महासिरा, वहां पर एक पेशियों से निर्मित एक गुंडी होती है, जिसका नाम है SAN, साइनो ऑरिकुलर नोड। ओके, इसका नाम ऑरिकुलर ऑरियो क्यूलो वेंट्री नोड। ओके, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, यानी आलिंद निलय गुंडी। ओके, ये जो गुंडी होती है, यानी ऐसे जो होती है, इसे हम लोग हृदय का पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि ये आलिंद दाहिने आलिंद में ऊपर की ओर पाई जाती है, जहां पर यष्टिकिन कपाट और अग्रमाशिका होती है। यहीं से हृदय में, यानी मानव हृदय में जो हृदय का जो स्पंदन है, यानी जो मोमेंट जो है हृदय में, जो गति है, स्पंदन है, हृदय में स्पंदन यहीं से प्रारंभ होता है। हृदय में स्पंदन का मोमेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो स्पंदन की जो शुरुआत होती है, शुरुआत जो होती है वो एक्चुअल में कहां से होती है, ऐसे। इसीलिए SAN को हृदय का क्या बोलते हैं, पेस मेकर, ये आप ध्यान दें, गति निर्धारक। ओके, और SAN में और बात अंदर, SAN एक ऐसा नोड है जो आपको मैं बना के समझा रहा हूं, ऐसे नोड ये आप देख पा रही है, ये ऐसे नोड है जो यहाँ पे दिखाया मैंने आपको डार्क में। इस SAN नोड जो होते हैं, इसके अंदर यू कह सकते हैं, इसमें हृदय पेशियां कार्डिक मसल्स और अनुकंपी और प्राणुकंपी, यानी अनुकंपी और वैगस तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। कौन कौन सी? ये तो हृदय तंतु और एक कौन कौन सी, अनुकंपी और परानुकंपी, यानी प्राणुकंपी, एपिनेफ्रिक और यू, आप समझ पा रहे होंगे। तो अनुकंपी और प्राणुकंपी दोनों तंतु इसमें पाए जाते हैं। अब बात यू कह सकते हैं, या SAN से निकलने वाले, SAN से निकलने वाले तंतु, SAN से ये तंतु निकलकर हृदय के आलिंदों की, हृदय के आलिंदों की भित्तियों में पहुंचकर कहां पहुंचते हैं, AVN में पहुंचते हैं, या ध्यान दें। और AVN एक्चुअल में हृदय का दूसरा पेसमेकर है, जो एक्चुअल में कहां होता है, आलिंद निलय पट। कहां पर? आलिंद निलय जो पट है, आलिंद जो निलय पट है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ये जो आप सेप्टम देख रहे हैं, अंतर आलिंद निलय पट है, वहां पर पाया जाता है, ये भी आलिंद में स्थित होता है, इसे हृदय का दूसरा पेसमेकर कहते हैं। तो यहां से निकले हुए तंतु निकल कहां जाएंगे, एवीएन में, और एवीएन से निकल कर ये तंतु, एवीएन से निकल कर ये तंतु साकित होकर क्या मिलते हैं, हिजका बंडल। मैं बता दिया था, यहां एवीएन से निकल कर कहां जाएंगे, हिजका बंडल, इसका बंडल या इसके तंतु, और इसके तंतु ये निकल, इसके तंतु आगे जाकर क्या हो जाए, साकित हो जाएंगे, और आगे जाकर साकित होने के बाद ये निलों की भित्ति, या निलों की जो पार्श्व भित्ति होती है उसमें जाकर ये एक्चुअल किन में रहते हैं, परकिंजे तंतु, परकिंजे तंतु कहलाते हैं ये तंतु। और कोई नहीं सर, छोड़, ये हृदय में पाए जाने वाले सभी हृदय तंतु ही है, और ये तंतु एक्चुअल में हृदय के कहां चले जाएंगे, निलय की भित्ति में,
या नीले की भित्ति में जाकर साकी दे फैल जाते, तो पूरे हृदय में आलिंदो नीले से लेकर एस एन से लेकर परकिंजे तंतुओं का एक जाल होता है। ओके सर, एक उसी प्रकार जिस घर के अंदर एक हमारा यू कैसे लाइट का यानी विद्युत सर्किट होता है, जो देखा होगा आप लोगों ने, विद्युत स्रोत से लेकर विद्युत उपकरण तक चालक तारों का हम एक जाल बिछाते हैं जो स्विच से स्टार्ट होता है, देखा होगा, तो स्विच के द्वारा स्विच से लेकर विद्युत उपकरण तक या विद्युत स्रोत से लेकर विद्युत उपकरण तक एक चालक तार का जो हम जाल बिछाते हैं और जैसे हम स्विच को मोन करते हैं हमारा विद्युत उपकरण कार्य करने लगता है, करंट जिसे बोलते हैं, वही प्रोसेस यहां पर है। तो हृदय स्पंदन का प्रारंभ मानव में हृदय के अंदर ही होता है, इसलिए इस प्रकार के हृदय को मायोजी बोलते हैं। और इस प्रकार के हृदय को यदि किसी जंतु शरीर से निकाल कर बाहर भी रखें तो कुछ सेकंड तक उसका स्पंदन शरीर के बिना यानी ब्रेन के बिना, यानी बिना मस्तिष्क के भी हृदय का स्पंदन कुछ सेकंड तक जारी रहता है, क्योंकि उसका स्पंदन जो उसमें जो मूवमेंट हो रहा है उसका जो प्रारंभ है हृदय के अंदर हो रहा है और वो कहां हो रहा है, एसएन। तो मानव हृदय में गति स्पंदन का प्रारंभ कहां होता है, एसएन। अब इसको समझा रहा हूं, एसएन प्रारंभ था एसएन से निकल के तंतु, यही स्पंदन की सूचना इन तंतुओं से निकलकर आलिंदों के माध्यम यानी आलिंदों से निकल के तंतुओं के माध्यम में कहां पहुंचती है, एसएन से, यानी स्पंदन एस ए एन में शुरू होता है और ये एसएन से निकलकर ये स्पंदन आलिंदों के द्वारा कहां पर आएगा, एबिन, क्योंकि एएसएन से निकलने वाले तंतु आलिंदों की पार्श्व भित्ति में जाते हैं और वहां से पहुंचकर एवीन में आते हैं। अब समझ पा रहे हैं, तो ये स्पंदन एवीन में आता है और आलिंदों में यू कैसे एस एन के जो तंतु निकलते हैं वो आलिंदों जाते हैं, जिसे आलिंदों में संकुचन, तो आलिंदों का संकुचन का नियंत्रण कौन करेगा, एस एन। और आप समझ, और आलिंदों में जो संकुचन होगा तो आलिंदों के संकुचन के दौरान ये दोनों त्रिवलन और द्विवलन जो कपाट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आलिंद नील कपाट, आलिंद, क्योंकि ये दोनों आलिंद नीलों के बीच में कौन सलका से बताया मैंने आपको सेप्टम है, तो यहां पर होते हैं। तो मैंने क्या बताया, एसएन से निकलकर तंतु आलिंदों की भित्ति में जाते हैं जिससे आलिंदों में संकुचन प्रारंभ होता है, जिसके कारण आलिंद नील कपाट यानी द्वि और त्रिवलन कपाट खुल जाते हैं और आलिंदों में संकुचन से रुधिर आलिंदों से नीलों में आ जाता है। तो आलिंगों का संकुचन का नियंत्रण एसएन करेगा, लेकिन एसएन को हम लोग हृदय का पेसमेकर फर्स्ट कहते हैं, ध्यान दें, गति बनाने वाला। उसके बाद ये निर्धारक या ये स्पंदन की सूचना जो होती है, सूचना या मूवमेंट है, वो एवियन में आता है। ओके सर, एवियन से ये सूचना हिस्के बंडल में जाएगी, क्योंकि एवियन से ही हिस्के बंडल निकलते हैं और इसके बंडल ही आगे जाकर क्या बन जाते हैं, परकिंजे और परकिंजे तंतु कहा जाते हैं, नीलों की भित्ति में। तो नीलों में संकुचन एवियन के द्वारा होगा, तो नीलों में संकुचन का नियंत्रण कौन करेगा, एवीएन करेगा, ये भी ध्यान दे, एवीएन करेगा, और आलिंदों में कौन करेगा, एसएन। तो इस प्रकार एसएन और एवीएन दो हृदय में पाई जाने वाली एक नोड्स है, एक गुंडी है जो मसल्स है और तंत्रिका तंतु से मिलकर बनी होती है, जो कर्म से आलिंद और नीलों का नियंत्रण संकुचन नियंत्रण करती है। एवीएन से यह सूचना हिस्के बंडल और इसके बंडल से निकलकर कहां जाती, परकिंजे, और परकिंजे तंतु इस सूचना को नीलों की भित्ति में पहुंचाते हैं, जिससे नीलों में संकुचन होता है यानी सिस्टोल होता है, जो मैंने बताया था सुबह पहले वीडियो में। तो नीलों के संकुचन होने से ये कपाट दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और इस कपाटों के बंद होने से एक आवाज आएगी जो मैं पहले बता चुका हूं, लव आवाज, जो हृदय के स्पंदन या हृदय की पहली ध्वनि, हृदय स्पंदन दो होने वाली प्रथम साउंड लव आवाज आएगी। ओके, संकुचन दोहरा और साथ उसी समय अर्धचंद्राकार कपाट, यानी कह सकते हैं पल्मोनरी धमनी और कैरोटिड सिस्टम की धमनी में स्थित जो कपाट है, कपाड़ी खुल जाते हैं और नीलों का संकुचन होने से यू कह सकते हैं दाएं नीले से, किसे दाएं नीले से अशुद्ध ब्लड कहां पर, हमारे लंग्स में चला जाएगा और ये शुद्ध ब्लड, ये हमारी जो महाधमनी है वो लेकर शरीर के सभी भागों में इसका वितरण कर देती है। और नीलों के संकुचन के बाद ये दोनों कपाड़, अगर बात हम कर सकते हैं, दोनों कपाड़ बंद हुए तो वापस यू कर सकते खुल जाएंगे और ब्लड आएगा और ये दोनों कपाड़ जड़ के बंद होंगे और एक अंग आवाजी जिसको हम कहते हैं डप बोलते हैं। तो लव और डप ये हमारे हृदय स्पंदन दौरान या हृदय गति दौरान उत्पन्न होने वाले दो हॉट साउंड है, लव और डप, लव डप, लव डप, इस प्रकार मूवमेंट चलता है। तो ये हृदय स्पंदन का मैंने आपको बता दिया। ओके सर, तो यहां पर हमारा जो टॉपिक क्या था कि हृदय यानी कैसे हृदय गति की उत्पत्ति या हृदय स्पंदन की गति की उत्पत्ति, तो मैं आपको समझा पा रहा हूं। साथ ही एक और बता दूं कि मानव हृदय की जो गति का नियंत्रण यानी हार्ट जो गति का नियंत्रण है वो हमारे मस्तिष्क में यानी हमारे ब्रेन में स्थित मेडो, हम जानते हैं ब्रेन के तीन भाग, अगर मध्य पश्चिम, तो पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग आप सुनोगे पॉन्स
सेरिब्रम और एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में मेडुला ऑब लोंगेटा, लोंगेटा में हृदय नियंत्रण केंद्र, हृदय गति नियंत्रण केंद्र होता है, और ये हृदय नियंत्रण केंद्र जो होता है हृदय की गति का नियंत्रण करता है, क्योंकि यहीं से तंत्रिका आकर, यहीं से तंत्रिका आकर एस एन में आकर एस एन में आने के बाद हृदय की गति का प्रारंभ होता है। लेकिन स्पंदन की शुरुआत कहां से होती है? एस एन से, ठीक है। इनको इनको उद्दीपन कहां से मिलता है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में कौन सा केंद्र है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में हृदय नियंत्रण केंद्र, हृदय गति नियंत्रण केंद्र होता है। ये जो नियंत्रण केंद्र है ये दो भागों में है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हृदय, यू कह सकते हैं हृदय त्वरिक, यानी हृदय की गति को बढ़ाते हैं, और दूसरा होता है हृदय निरोधक, यानी ये तो कौन से, हार्ट एक्सीलेटर होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, हार्ट एक्सीलेटर, और ये होंगे हार्ट इनहिबिटर। ओके, ये हृदय तौरी क्या करते हैं, ये इस मेडुला ऑब्लोंगेटा से आने वाले तंत्रीय तंतु, ये तंत्रीय तंतु एक्चुअली में कहां से आएंगे, कौन सी बात है, हृदय तौरी, ये अनुकंपी तंत्रीय तंतु, कौन से, अनुकंपी तंत्रिका तंतु इस भाग से आकर हृदय में आते हैं, राइट सर। और ये यहां से आने वाले तंतु, यानी इस भाग से आने वाले तंतु हृदय में स्पंदन की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, राइट सर। तो ये हृदय स्पंदन की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हृदय स्पंदन के, हृदय त्वरित भाग से आने वाले अनुकंपी तंत्रीय तंत्र के तंतु ऐसे भाग में आते हैं, जिससे ऐसे भाग के द्वारा विशेष प्रकार का एक हार्मोन, जो मैं बता भी चुका हूं, नो एड्रेनलिन, यानी एपिनेफ्रिन, एनेफ्रिन बोल सकते हैं, एपिनेफ्रिन और नोन एड्रेनलिन हार्मोन का स्रोत होता है। और ये सांस हार्मोन की प्रेरणा से हृदय की दर, हृदय की दर क्या होती है, बढ़ती, और हृदय दर की बढ़ती, साथ ही हृदय दर की बढ़ने का एक कारण हो सकता है गुस्सा आना, ताप बढ़ जाना, पीएच का बढ़ जाना, थायरोक्सिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, तनाव, इनकी वजह से हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ सकती है, हार्मोन बैलेंस की वजह से, या फिर एड्रेनल ग्लैंड की वजह से भी एक्चुअल में क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड एक्चुअल से हार्मोन छोड़ती है, एपिनेफ्रिन, पता है मैंने आपको एपिनेफ्रिन को, नॉन एपिनेफ्रिन, तो इनकी वजह से भी एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन भी हृदय दर को बढ़ाते हैं, लेकिन वो कब, संकटकालीन परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों। इसके अलावा हृदय निरोधक भाग से आने वाले तंतु, कौन तंतु होते हैं, प्राणों को भी, ये तंतु जाकर हृदय गति को क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि हृदय निरोधक और हृदय तौरिक दोनों ही हमारे कहां पर स्थित है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये किससे बने होते हैं आपको मालूम है, ये मैं पहले बता देता हूं, ये एक्चुअली किससे बने होंगे, न्यूरॉन्स है, क्योंकि हमारा ब्रेन किससे बना हुआ, न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स से, न्यूरॉन्स एक्चुअली क्या होते हैं, हमारे शरीर की एक्चुअली में तंत्रीय तंतु है, जो हमारे शरीर में संवेदनाओं को लाने जानकारी करते, लाइक कंडक्टर, जैसे हमारे घरों के अंदर कंडक्टर लगे होते हैं, चालक तंतु, वैसे हमारे शरीर में जो चालक तंतु होते हैं वो कौन होते हैं, न्यूरॉन्स, नर्व होते हैं। ओके सर, तो हृदय निरोधक तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो वेगस होते हैं, ये तंतु जाकर हृदय में जाते हैं, मस्तिष्क निकल हृदय में जाते हैं, और ये एसिटाइल कोलिन, कौन सा, एसिटाइल कोलिन को स्राव करते हैं, जो हृदय दर को क्या करते हैं, कम करते हैं। इस प्रकार से दोनों केंद्र विपरीत कार्य करके हृदय की दर को एक्चुअल में क्या रखते हैं, सामान्य, यानी हृदय का स्पंदन होगा 72 पर मिनट होगा, यानी ये बढ़ाता है और ये घटाता है, तो दोनों का वर्क एक दूसरे क्या हुआ, अपोजिट हुआ। इस प्रकार हृदय दर का जो दर होगी वो हमेशा क्या बनी रहती है, सामान्य रहती है। हाँ, कभी कभार किस कंडीशन की वजह से हृदय दर कभी कभार घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, जैसे संकटकालीन परिस्थिति, गुस्से के आने में, तनाव में, डर लगने में, चिंता में, या हार्मोन या बीमारी के समय, या व्यायाम के दौरान, या तेज बाहर दौड़ने से हार्ट बीट हमारी घटती बढ़ती रहती है। ओके सर, तो ये मैंने आपको दो टॉपिक्स में हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया, एक तो ये कि हृदय गति की उत्पत्ति कैसे होती है, हृदय का जो गति है, और ऐसे नेविन का जाल किस प्रकार बता दिया, इसे पहला पेस में बोलते हैं, इसे सेकंड पेस, और ऐसे से निकल तंतु निकल एवेन में आता है, एवेन के तंतु आगे जाकर हिस्का बंडल बनाते हैं, हिस्का बंडल परकिंजे, और परकिंजे तंतु नीलों की भित्ति में फैले रहने वाले तंतु है, जो नीलों की संकुचन का नियंत्रण करने वाला तो कौन है, एवियन, और आलिंदों में संकुचन का कौन करता है, एसियन, लेकिन एसियन पहला पेस में कर और ये सेकंड पेस में कर। थैंक यू वेरी मच।